जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ, और नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ में हम देखेंगे प्रमेय 10.1 यानी थ्योरम 10.1। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, दिया है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। देखिए पहले हम वृत्त ही बना लेते हैं, वृत्त की बात कर रहा है तो ये वृत्त है जिसका केंद्र वो है, मान लेते हैं दो जीवा हमारा ए बी और सी डी है। चलिए ए बी और सी डी, वो को ए से और बी से जोड़ देते हैं, इसको ओ को सी से और डी से जोड़ देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बेहद सिंपल है, घबराना है 1% नहीं है। देखिए दिया है, लिख लेते हैं क्या दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें देखिए कह रहा है, अब देख ध्यान से पढ़िएगा, वृत्त की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं मतलब ए बी इक्वल टू सी डी दिया है आपका, ए बी इक्वल टू सी डी दिया है। ठीक है, ये गिवेन है, ये दिया है, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है यानी कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। जो जीवा ए बी द्वारा आंतरित कोण क्या बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है, और जीवा सी डी द्वारा सी ओ डी कोण बन रहा है। तो देखिए सिद्ध करना है, भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी इक्वल होगा कोण सी ओ डी, ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, बराबर जीवा द्वारा जो आंतरित कोण होता है वो बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, टारगेट होगा इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दे, दोनों त्रिभुज को। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो सो सिंपल, हमारा सीपीसीटी रूल से कोण बराबर हो जाएगा। चलिए आइए करते हैं, लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है दोनों त्रिभुज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए ए ओ बी त्रिभुज इसकी और सी ओ डी इस त्रिभुज की, ए ओ डी में देखिए लिखते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, जो ये ओ ए है वो ओ सी के बराबर होगा, क्यों लिख दीजिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये लिखिए ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, इसमें भी कारण वही होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये कहां से तो दिया है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ट्रिपल एस नियम से हो गया त्रिभुज सर्वांगसम, चूंकि ट्रिपल एस सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के, चूंकि सी पी सी टी नियम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सी पी सी टी नियम से क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इक्वल हो जाएगा कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के, यही प्रूफ करना था, आंतरिक कोण भी बराबर होती है। चलिए घेर देते हैं इसको और लिख देते हैं कॉमा देके प्रूफ, नोट डाउन कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, नीचे लाइक का बटन होगा जरूर लाइक कर देना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और अभी तक जो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।